अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राना शेफ इंटरनेशनल। कैसे हैं आप सब? इट इज़ विंटर एंड कैरेट्स आर अवेलेबल इन द बाज़ार। वी कैन मेक जैम मुरब्बा विद दीज कैरेट्स एंड स्टोर इट। बाज़ार में गाजरें आम नज़र आती हैं आजकल, आप लेके आ सकते हैं। टुडे आई विल मेक जैम मुरब्बा ऑफ कैरेट्स। कट कैरेट्स इंटू 2 इंच पीसेस। सर्दियों में बाज़ार में गाजरें आपने देखा है कि आम पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से लाकर इन्हें बनाकर रख सकते हैं। अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ करते हैं, अगर 3 पीस आप डेली खाते हैं, तो ये बहुत ताकतवर है और आपके ये जिस्म को, मैदे को ठंडा रखते हैं। गाजर को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज फिर मैं ये गाजर का मुरब्बा बनाता हूँ। तो आपके सामने ये मैंने कटिंग जो है इनकी कर दी है। 5 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करने रख देंगे। इसको आपने लाइट आंच पे, हल्की आंच के ऊपर इसको जो है ना बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। 5 मिनट बॉयल करने के बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने 2 इंच के पीसेस बना के रखने हैं। अब मैं इसको नाइफ से चेक करता हूँ। ये देखें, नाइफ बहुत इजी इसके अंदर चली गई है। तो अब ये जो है बॉयल के करीब काम आ गया है। तो अब ये देखें, कैरेट पानी का भी रंग तब्दील होता जा रहा है। तो कैरेट देखने में भी प्यारी है और ये होती भी बहुत मज़े की ताकतवर है और आपके जो जिसम में ब्लड पैदा करती हैं, मैदे को ठंडा रखती हैं और ताकत देती हैं, बहुत एनर्जी होती है इसमें। जूस भी पीकर, जूस ज़रूर पीना चाहिए गाजर का। आप डेली 1 गिलास पिए इस सीज़न में। गाजर का आप हलवा भी बना के रख सकते हैं। तो ये देखें, हमारी ये बॉयल हो चुकी हैं। अब मैं इनको जो है बाहर निकालने लगा हूँ। अब हम गाजरों को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। इसका पानी अच्छी तरह से इसका निकाल देना ताकि पानी इसके अंदर ना आए। तो अब ये देखिए, मैंने निकाल के नैपकिन के साथ अब इसको अच्छे तरीके से हमने खुशक कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं इसके अंदर रहना चाहिए। अगर पानी इसके अंदर रह गया तो फिर गाजरें जो है ये ज़्यादा देर नहीं, फिर 1 महीने के अंदर अंदर ये ख़राब हो जाएंगी। तो अगर पानी हम निकाल कर इसको करेंगे तो फिर ये इस तरह टक अब लगाते जाना है। टक लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारी चाशनी जो है इसके अंदर जो है सही जज़ब हो जाएगी। अगर आप गाजर ज़्यादा पकाएंगे तो तब भी ख़राब हो जाएगी, अगर चाशनी ज़्यादा पकाई तब भी ख़राब हो जाएगी। हमने पानी के अंदर इसको नहीं पकाना, हमने पानी के अंदर भी बना सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी मैं लिंक में दे देता हूँ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास घर में, ये देखें ना, अब मैंने इसको अब कढ़ाई के अंदर मैंने रख लिया है, बिल्कुल खुशक कढ़ाई के अंदर, और गाजरों को मैंने बिल्कुल खुशक कर दिया, कोई इसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल मैंने पानी सब निकाल दिया। ये देखें, नैपकिन ऊपर लगा दिया। तो अब इसके अंदर मैं एक जो है लीमू निचोड़ूंगा। लीमू का ये फ़ायदा होगा, एक तो ये इसको ख़राब नहीं होने देगा और दूसरा इसके अंदर चीनी नहीं जमेगी, ये इसका लीमू का फ़ायदा है। तो लीमू वैसे भी आपके लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हाजमा दुरुस्त करता है, कलर को भी ये सफ़ेद करता है, गाजर भी कलर को सफ़ेद और सुरख कर दिया। अब इसके अंदर मैं ये चीनी डाल देता हूँ, एक बोल मैंने ये देखे चीनी डाल दिया। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। जब ये हम चीनी डाल देंगे, चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और गाजर के अंदर से पानी भी आ जाएगा। हमें कम से कम इसको 2 घंटों के लिए रखना पड़ेगा। अब मैं इसमें डालूँगा सिरका। सिरका थोड़ा सा डाला, इससे ये होगा कि ये अब ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो यही फ़ायदा, हमने इसमें एक लेमन भी डाल दिया। ये भी आप देखें, 2 घंटों बाद मैंने इसको उठा कर देखा तो उसमें ये देखा कितना पानी गाजर ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इस पानी के अंदर, अब ये बिल्कुल मीठा ये चाशनी है, अगर आप इसको नहीं भी पकाएंगे तो मुरब्बा फिर आप 20 दिन के लिए पड़ा रहने दें, तो 20 दिन में ये बन जाएगा। अब हमको लाइट फ्लेम 5 मिनट के लिए हम इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। ये देखें, हल्की आंच पे मैं इसको पका रहा हूँ, हिला रहा हूँ, और गाजर की शक्ल भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुरब्बा बिल्कुल रेडी पड़ा है। तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादा भी चाशनी नहीं पकानी, ना इसको ज़्यादा हमने गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। चाशनी ऐसी बनानी है कि हम अपने थंब और फिंगर के साथ इसको लगाएं तो हमारे हाथ को चिपके। अब मैं इसमें लाची जो सबज़ है, इसके 2 जो है ना मैं लाची वो डालूँगा। इसके हमने अंदर से बीज निकालने हैं, बीज इसमें से डालने हैं। ये उससे ये है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और ये अंदर से टेस्ट देगी, खुशबू देगी। ये देखिए, अब ये बिल्कुल थिक के करीब आ गया है। इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, अब बिल्कुल रेडी के करीब पहुंच गया है। तो पता चल रहा है बॉयल भी हो गया है, बहुत ज़्यादा बॉयल भी हमने नहीं करना। तो
तो फिर आपका नहीं तो मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। आपने इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को आपने देखते हुए घर में ज़रूर बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला मुरब्बा आपका बिल्कुल बनेगा। तो हमारी चाशनी देखें बिल्कुल थिक हो गई, अब हमें बाहर निकाल लेनी चाहिए। तो आप ये देखें, मैंने इसको ढकाप रहा हूँ। अब हम ये करते हैं कि हमें इसके अंदर तो हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, तो हम इसको करते हैं कि हम इसको ना एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। ये मैंने ये शीशे के बोल में निकाल रहा हूँ, निकाल के इसका, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक का कवर भी इसमें फिर हम रख देंगे। या तो आप इसको रख सकते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा वगैरह है उसमें रख लें, या फिर इस तरह का बोल रख लें ताकि ये ऊपर से कवर हो जाए। अब आप इसको रख दें, तो दो दिन बाद ये देखे हमने इसको निकाला, तो दो दिन बाद ये देखे माशाल्लाह चाशनी भी हमारी थिक हुई पड़ी है, और ये देखे गाजर बिल्कुल वो हो गई है। तो बहुत खूब, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।